रोमा जैक्सन मीटिंग में बोला करते थे, रोमा जी बोला करते थे, इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी मीटिंग्स एंड इन द मीटिंग सो मेनी रेजोल्यूशंस एंड एवोल्यूशंस एंड डिसोल्यूशंस एंड एट द एंड नो सॉल्यूशंस, दे शुड बी चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण। हरि नाम की महिमा, कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता कि मेरी नाम की कितनी महिमा है। जब खुद भगवान ना बता पाए अपने नाम की महिमा, अरे तो कितनी महिमा होगी भगवान के नाम। एक IIT का लड़का था, तो वो आए हमारे पास, कहता है क्या क्या है ये आपका, ये हरे कृष्ण क्या होता है इससे। हमने कहा आपका, आपके अंदर जो भी कमियां हैं सब दूर हो जाएंगी। कहता है अच्छा रहने दो यार, मैंने भगवान श्री कृष्ण के नाम की परिक्रमा की थी इसीलिए मेरे को स्थान मिला। मैं एक राम नाम का फल जो है इनको अर्पित करता हूँ। ये है कि पूरा का पूरा नर्क का नर्क खाली हो गया एक भगवान के नाम से। इससे सारी अगर आपको जान चाहिए जीवन में और आपको चाहिए कि आपके जीवन बहुत ही सिल्की स्मूथ चकाचक रहे, उसे लिया करना चाहिए भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो मेरा बड़ा सौभाग्य है आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। इस्कॉन गाजियाबाद जिंदाबाद, ऑल ऑफ यू वंडरफुल डिवोटीज ऑफ राधा मदन मोहन जी, श्री जगन्नाथ बलदेश मुद्रा जी, प्रभु सुदर्शन, श्री कौनिताई, आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी हियर। तो वैसे अनादि मोहन प्रभु जो हैं, जो यहाँ आप सबके, आप सब जानते हैं अनादि मोहन प्रभु को। सो अनादि मोहन प्रभु का स्पेशली मुझे बहुत शुरुआती दिनों में बहुत संग मिला था और हम लोग न्यू भक्ता प्रोग्राम में एक साथ ही थे, हालांकि प्रभु जी मुझसे हमेशा सीनियर रहे वैसे, तो हम लोग साथ में ही थे और प्रभु जी गंभीर भक्तों में से थे और मैं शरारती भक्तों में से था। लेकिन जो भी विनम्रता और शास्त्रों के प्रति आकर्षण जो है उनका, वो सब जो है मैंने उन दिनों से प्रभु जी से प्रेरणा लिया करता था मैं अनादि मोहन प्रभु से। सो दैट वेज आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको अनादि मोहन प्रभु जैसे भक्त मिले हैं। और बाकी यहाँ पर सुंदर गोपाल प्रभु, बाकी डिवोटीज इतना सुंदर मैनेजमेंट और प्रीचिंग संभाल रहे हैं, ये भी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और हम देखते हैं गाजियाबाद में इतने सारे डिवोटीज हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ डिवोटीज होते हैं इस्कॉन गाजियाबाद के, और इतना बड़ा इतना सुंदर परिवार है आप लोगों का। तो ऐसे ही परिवार आपका बना रहे, इसमें प्यार, घनिष्ठता, सेवा की भावना, निस्वार्थ भाव से भक्ति, ये ऐसी बनी रहे, इसके लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं सोच रहा था कि आज हम क्या कर सकते हैं, एक तो है कि ना हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन की थोड़ी चर्चा करें। कैसा रहेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चर्चा करें या फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर लें या फिर हम हरि नाम की महिमा करें, तो क्या क्या लगता है, क्या किया जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन? बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो हाथ खड़ा करें। ओके, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे। ओके, माताएं करिए थोड़ा थोड़ा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन आंसर, क्या कौन जाता है, हम खुला बस क्वेश्चन आंसर ही करते हैं बस, इतने क्वेश्चन नहीं आप लोग हैं, ठीक है, अच्छा है, आत्म साक्षात्कार भक्तों को यहाँ पर पढ़िया है, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, हरि नाम की महिमा फिर, अच्छा हरि नाम की महिमा से सुनना चाहते हैं, ठीक है जी, ऑल राइट, बाद में हल्का सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी चर्चा कर लेंगे, ऑल राइट। तो हरि नाम की महिमा, कितनी महिमा है, इतनी महिमा है कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं भी नहीं बता सकता कि मेरी नाम की कितनी महिमा है। जब खुद भगवान ना बता पाए अपने नाम की महिमा, अरे तो कितनी महिमा होगी भगवान के नाम की। और नाम की महिमा वही बता पाता है पूरी तरह से जिसने नाम पूरी तरह से आस्वादन किया हो। तो इसलिए जो नाम है ये ही सार है। और नाम क्यों दिया आप सब जानती हैं, नाम हमें क्यों दिया गया, क्योंकि सबसे अधिक नलायकों की मंडली चारों युगों में से कौन सी युग में मिलती है, कलयुग में। तो हम लोग नलायकों की मंडली असल में है ना, ध्यान हमसे लगना नहीं, और ध्यान कहाँ का लगता है हमको वो बता नहीं सकते। ध्यान योग की शक्ति है कलयुग वालों के पास, लेकिन ध्यान योग का वो ऑब्जेक्ट क्या क्या है वो अच्छा है नहीं पता लगता किसी को। इसे भक्त शेयर कर रहे थे कि बड़ा अच्छा है कि ना हम लोग एक दूसरे का मन नहीं देख पाते, नहीं तो हम किसी में विश्वास नहीं कर पाते। तो हो बाहर से तो आप बड़ा गुड मॉर्निंग करते हैं, अंदर अंदर आपकी ये भावनाएं भरी हुई हैं, ओहो। तो इसीलिए ध्यान तो लगना नहीं चाहिए हमारा, और जहाँ जहाँ लगा हुआ है वहाँ से खींच खींच के भी वापस आता नहीं, जहाँ लगाना चाहिए वहाँ खींच खींच के लगता नहीं। तो ध्यान योग तो हमसे होना चाहिए, नहीं जी। दान कर ले कलयुग वाले, बेचारे दान भी नहीं कर पाते कलयुग वाले। तो जैसे इसमें 2000 रुपये का नोट था
और 10 का नोट था, दोनों में बातचीत चल रही थी, तो 2000 रुपए के नोट 10 के नोट से कहा, क्या ले टुच्चे 10 के नोट, तेरी क्या औकात, हमारे आगे देख 3-3 0, तेरे आगे देख 1 ही 0, सब जगह हमारा बोलबाला है। तो 10 के नोट ने कहा, ऐसा नहीं कि सब जगह तेरा ही बोलबाला है, एक ऐसी जगह है जहाँ हम ही दिखते, तो तू दिखता भी नहीं वहां पे, वो है मंदिर की हुंडी। मंदिर की हुंडियों से 10 का नोट ही नजर आता है, 2000 कोई विरला होता है, कोई गलती से हो 2000 भी चला गया, अरे अरे। और 10 का वो नोट जो कि मार्केट का रिजेक्टेड है, कहते हैं कि चलेगा मार्केट में, कहते हैं नहीं नहीं वो गज्जक वाले को दिया था, मना कर दिया था। अच्छा ठीक है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो कलयुग वाले बेचारे दान भी नहीं कर पाते, बड़ा मुश्किल। अच्छा तो फिर भगवान कहते चलो फिर तुम एक ही काम कर लो, चलो तुमसे ध्यान होना नहीं, दान होना नहीं, स्नान भी बेचारे कर नहीं पाते इतना, सर्दियाँ आती है स्नान भी कम हो जाते हैं, ऐसा करो फिर तुम नाम ले लो, चलो नाम ले लोगे, कभी कभी। ये है हम कलयुग वालों का हाल, तो इसीलिए नाम ही है भाई, यही हमारा सहारा है। अब तो कितने लोगों ने बधवा कॉलेज का नाम सुना है, 9वीं 10वीं फेल, 12वीं पास करें, 11वीं 12वीं फेल, बीए पास करें, है ना, ऐसा नाम सुना है ना आपने। इन नलायकों के लिए खुला है बधवा कॉलेज, क्योंकि इनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, यूपी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, कहीं नहीं होता इनका, तो फिर ये बधवा कॉलेज की शरण लेते हैं। तो इस तरह से सतयुग, त्रेता, द्वापर फेल, कलयुग में पास करें। अच्छा बधवा कॉलेज का नाम क्या है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। यहाँ आइए जी आप यहाँ, और बधवा कॉलेज में क्या पेपर भी आसान आता है, 20 सवाल कोई 2 करिए। ये मुश्किल है आसान है, वो आसान है ये तो। अब अगर कोई यही बोला, अरे तो बहुत डिफिकल्ट पेपर आया है भाई, 20 questions अटेम्प्ट एनी 2, ये तो बहुत कठिन है, तो अब तू कहाँ जाएगा भाई। तो जो हरे कृष्णा भी ना कर पाए, अरे कभी कभी लोग कीर्तन कर रहे होते, बोलना पड़ता है, बोलिए बोलिए सब मुंह खोलिए। मुंह नहीं खोलते, बोलिए ना मुंह खोलिए ना, अच्छा चुगली करिए। तो भगवान का नाम जबकि इतना आसान है, हरे कृष्णा कितना आसान है ना, छाला पड़ा किसी मुंह में, कितना आसान है, फिर भी लोग नहीं लेते तेरे की। तो नाम की जो है इतनी महिमा है कि अगर कोई इसकी महिमा को पूरा नहीं भी जानता, इवन देन अगर कोई नाम ले रहा होगा तो भी उसको लाभ पहुंचता है। जैसे विभीषण जब लंका के राजा हो गए, अब रावण की तो हो गई, अब उनके यहाँ एपिसोड ओवर हो गया, तो विभीषण ने कहा भाई देखो मैं राजा हूँ, अब अगर आप में से कोई मेरे को पसंद ना करता हो तो जो जाना चाहे फिर जा सकता है, तो जबरदस्ती नहीं है कि मेरे को मेरे राजा आपको रहना ही पड़ेगा, तो जो जाना चाहे चला जाए। तो सबने कहा नहीं कोई बात नहीं, पहले रावण थे हमारे राजा, अब विभीषण है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन उनमें से एक था जिसका नहीं, मैं रावण का वफादार था हूँ और रहूंगा। ठीक है भाई तू फिर चला जा फिर। अच्छा तो भाई लेकिन अब जाए कैसे, कैसे जाए जी, क्योंकि जो जो पुल था उसको ना सिर्फ वानर सेना इस्तेमाल कर सकती थी, जो राक्षस थे वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अच्छा फिर कैसे जाएगा ये। तो फिर विभीषण जी ने क्या किया, एक पीपल का पत्ता लिया, उस पर कुछ लिखा और उसको फोल्ड करके दे दिया उसके हाथ में, कहता ठीक है अपने हाथ में रख लिया इसको, तो समुद्र पार करेगा ना, समुद्र तेरे टखने के ऊपर से नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा बस, तेरे एंकल तक रहेगा बस। क्या ठीक है जी, कहता लेकिन इसको खोलना नहीं, खोलना नहीं इसको, कहता ठीक है नहीं खोलूंगा। तो ये चल रहा था, चलते 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 आधा समुद्र पार हो गया, वाह कमाल की चीज दी है विभीषण जी, समुद्र पार हो गया आधा भाई, ये तो कहते एक बार देखूं ऐसा दिया क्या, कहते नहीं नहीं वो मना किया है, नहीं 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 करता मैं, कहते एक बार देखे फिर बंद कर दूंगा। अब राक्षस है मन तो वश में है नहीं, तो खोल दिया उसने, उस पर लिखा था राम, कहता अरे धत तेरे की, ये 2 अक्षर ने ये मचा के रखा है समुद्र के साथ, हो ही नहीं सकता। जैसे उसने बोला हो ही नहीं सकता, समुद्र आया उसको डुबो करके ले गया। अब जब तक इसने नाम को हाथ में लिया हुआ था और ये नहीं जानता नाम की महिमा, नहीं जानता ये, इवन देन ये समुद्र को पार कर रहा है, लेकिन जैसे डाउट किया फिर गया। दूसरा अगर वो डाउट कर दे, कहता अरे भाई ये तो ज्यादा बताए थे भाई, भगवान का नाम ये भी है वो भी, ठीक है इतना भी नहीं है, ये लोग कुछ ज्यादा बड़ा चला के बताए थे ये लोग। तो अगर किसी ने डाउट कर दिया
फिर वो गया काम से। तो नाम की महिमा नहीं भी पता होगा, फिर भी अगर कोई हरे कृष्णा करे तो भी लाभ पहुंचता है उसको, ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर एक भक्त आया करते थे, हम कटोरिया सराय जीवा सराय में लोग प्रीचिंग करते थे, एक IIT का लड़का था। तो वो आए हमारे पास, कहता है क्या क्या है ये आपका, ये हरे कृष्ण क्या होता है इससे? हमने कहा आपका, आपके अंदर जो भी कमियाँ हैं सब दूर हो जाएंगी। कहता है अच्छा रहने दो यार, ये सब ढकोसलेबाजी, कुछ नहीं होता इससे। हमने कहा ट्राई तो कर लो भाई, ट्राई तो कर लो। तो ट्राई किया, उसने हमारे साथ जुड़ा रहा, रोज़ 4 माला 5 माला 6 माला क्या करता था, कभी कभी संडे को आता तो फिर 10 माला कर लिया करता था, ऐसा उसने करना शुरू किया। तो हमारे साथ जुड़े जुड़े उसको कुछ महीने हो चुके थे, तो हमारा दिसंबर का महीना आया तो हम लोग गीता बांटते हैं। तो ये हिंदू कॉलेज के बाहर ये गीता बांट रहा था, तो किसी लड़के को पसंद नहीं आया कि भाई ये क्या गीता बांट रहा है। तो अपनी गाड़ी में आया, मोटर बाइक में आया, और आप पेट में लात मार के निकल गया वो। अब ये जब भक्त नीचे गिर गया, जो नया अभी भक्त बना है अभी, और सारी गीता नीचे गिर गई और ये भी नीचे गिर गया, और वो भाग गया। भागे तो हुआ क्या, हिंदू कॉलेज के कुछ बच्चे थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके इसको लेकर गया, इसके हाथ पैर ऐसे पीछे रख दिया, कहता मारो प्रभु जी, ये मार कर भागा ना आपको, मारो अब इसको। अब ये जो व्यक्ति था, ये जो अभी नया नया भक्त बना था अभी, इसके साथ दिक्कत ये थी कि दैट ही वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति, मतलब उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। तो इसने कहा कि नहीं नहीं छोड़ो, रहने दो, जाने दो इसको। उन्होंने जाने दिया इसको, कहते कमाल है रे आप मार नहीं रहे इसको। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो हो गया कोई बात नहीं। और वापस ये व्यक्ति जो अपने रूम में गया, रूम में जाकर रोया कि मैं कितना बदल गया, मैंने सिर्फ 6 महीने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, उसका प्रभाव ये पड़ा कि मैं हाईली गुस्सैल आदमी जो कि बात बाद में करे, पहले पीट दे किसी को, आज उसने माफ कर दिया इसको। पर ये कैसे हुआ? भगवान के नाम। हाँ, ये भगवान के नाम से हुआ। तो इसीलिए अगर भगवान के नाम की महिमा किसी को नहीं भी पता हो, इवन देन भगवान का नाम वो लाभ देता है, इतना शक्तिशाली है भगवान का नाम। और साथ ही भगवान का नाम इतना महान है, शास्त्र में बताया गया कि इतने पाप कोई कर नहीं सकता जितने की पाप को के फलों को मिटाने की शक्ति है भगवान के नाम के अंदर, इतना ज्यादा शक्तिशाली है भगवान का नाम। जब जनक महाराज, जब लीला समाप्त हो गई थी जब भगवान श्री राम की, तो जनक महाराज जो है वापस साकेत धाम जा रहे थे। तो साकेत धाम की ओर जब जा रहे थे तो उनको नीचे से आवाज आई, जनक महाराज। उन्होंने कहा आवाज कहाँ से आ रही है, ये गाजियाबाद से आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज? तो उन्होंने झांका नहीं, कहते यहां से आवाज तो नहीं आ रही, कहां से आ रही है आवाज? ये तो नीचे से आवाज आ रही थी, जनक महाराज। तो फाइनली ढूंढते ढांढते पताल से होते होते फाइनली वो नरकों में पहुंचे। नरकों में जो वहां लोग सड़ रहे थे, पिट रहे थे, वहां पर कोई बॉयल हो रहा था, कोई फ्राई हो रहा था, कोई पिट रहा था वहां पर, किसी को निचोड़ा जा रहा था, किसी को जैसे आप देखें गन्ने की मशीन होती है उसमें निकाला जा रहा था, सबका ये हाल हो रखा था वहां पर। अरे 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 आप लोगों का बड़ा बुरा हाल हो रखा है, कौन सी जगह है? तो बताया जी ये नर्क है ये। तो ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, ये आप लोगों का ऐसे हाल हो रखा? कहते हाँ बिल्कुल। कहते कौन यहाँ पर, कौन इंचार्ज? यमराज जी इंचार्ज यहाँ पर? कहते हाँ। अरे मैं भी महाजन, वो भी महाजन है, मैं उनको बुलाता हूँ। तो यमदूतों को बुला कि भाई यमराज जी को बुला के लेकर गया। तो यमराज जी आए वहाँ पर, उन्होंने पूछा भाई ये क्या हाल मच रखा है इन लोगों का यहाँ पर, क्या हाल हो रखा है यहाँ पर? तो यमराज जी फिर 2-4 काउंटिंग कराए, कहते ये गाजियाबाद में रहता था, इसकी वाइफ वफादार थी लेकिन इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इसने ऑफिस से पाल कर रखा था दूसरी अपनी सेक्रेटरी के साथ, उसको लाइन मारता था, इसको तो सर्कल भी नहीं मारता था, उसको लाइन मारता था ये। तो इसीलिए जो है इसको, इसके साथ ये दुर्गति हो रही, कहते ले बैठे तेरे साथ, तो बड़ा चिपकने का शौक था ना, ये तो चिपक ले लोहे, जलते हुए लोहे के साथ चिपक ले बैठा तू अब। कहते अच्छा ये इसको लावा क्यों पिलाया जा रहा है? कहते इसको दारू पीने का बड़ा शौक था। कहते को आग पीने का बड़ा शौक है ना तेरे को, ओल्ड मॉन्ग एरिस्टोक्रेट का बड़ा शौक लगा है, तो ले बेटा तू गरम गरम लावा ही पी, खोलो जी उसका मुंह लावा। ये हो रहा था बेचारे के साथ। अच्छा ये तीसरा फ्राई हो रहा था, उसको नीचे करता फिर बाहर निकालते उसको, फिर अंदर ये बार बार कड़छी से नीचे कर करके फ्राई कर रहे हो, इसने खूब टंगड़ी तोड़ी है इसने। तो जब तेरी जीवा के लिए दूसरे फ्राई हुए तो थोड़ा तू भी फ्राई हो ले अब, तो इसलिए ये फ्राई हो रहा है। अच्छा और ये जिसको ये जूसर के उसमें से क्यों निकाल रहे हो उसको बार बार? कहते ये ना संतों का सम्मान नहीं करता था, दूसरों की निंदा करने बड़ा मजा आता था इसको, जैसे किसी में अच्छा गुण देखना ही नहीं इसको, तो हमने फिर इसके लिए फिर ये गन्ने की मशीन रखी है, जिस तरह से गन्ना निकालते हैं उस तरह से इसको भी निकालते हैं। कहते हैं ओहो तो बहुत बुरा हाल है इनका। तो सारे जितने नर्कवासी थे कहते हैं जनक महाराज
आप ना यहीं खड़े रहो, क्योंकि आपके शरीर को छू के जो हवा नरक में घुसती है, वो हवा जब हमको छूती है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो जनक महाराज ने कहा, ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं चेयर यहीं पे लगा लेता हूँ मैं। तो फिर यमराज ने कहा, अरे इन चक्करों में मत पड़िए आप, और क्या, भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करिए, तो बदमाश लोग हैं और क्या, गाजियाबाद के हैं और क्या। इनका बहुत चांस था कि राधा मदन मोहन जी के पास चले जाएं, पर ये बांगड़ू कभी नहीं जाते थे, बाहर से है निकल जाया करते थे, क्या मूर्ति पूजा मूर्ति ऐसे करके निकल जाते थे। तभी तो पिट रहे सारे के सारे, पिटने दो इनको, जनक जी आप इनके चक्कर मत पड़ो आप। कहते ठीक है, अभी इस्कॉन टेम्पल नहीं गए अब, लेकिन कुछ तो इनका कल्याण तो करना ही है ना, करुणा होती है ना भक्तों के हृदय में। तो फिर जनक, फिर जनक जनक महाराज को बताया यमराज जी ने कि अगर ऐसा हो जाए कि ना ये लोग एक बार भी भगवान का नाम ले लें, अगर एक भी भगवान के नाम का फल इनको मिल जाए ना, तो तर जाए सारे के सारे। पर नाम लेना नहीं इन लोगों ने, कितना बोल ले कई बार, अब हरे कृष्णा कर लो, नाम ले लो, बब, बब, बब। इनकी उम्मीद नहीं है, छोड़ दो आप। तो जनक महाराज ने कहा ठीक है, ये तो नाम नहीं ले पा रहे, चलो मैं ही नाम ले लेता हूं, मैं एक राम नाम का फल जो है इनको अर्पित करता हूं। जैसे उन्होंने बोला मैं अर्पित करता हूं, ओ जी नरक में जितने भी लोग पिट रहे थे, फ्राई हो रहे थे, सब के सब जो है गायब वहां से। तो जैसे जो यमदूत थे पीट रहे थे ना, तेरी तो जैसे ही मारा वो गायब होगा, वो जमीन पे टकरा के डंडा खाते हुए कहा चला गया वो। तो बगल में एक और यमदूत था, वो भी पीट रहे थे, कहते मेरा भी चला गया, मेरा भी चला गया। कहते लो जी हमारी नौकरी खतरे में आ गई, हम तो 9 to 5 की नौकरी करते थे, कल युग आता फिर स्ट्रेच करना पड़ता है, फिर सैटरडे संडे भी काम करना होता है। जब कलयुग शुरू होता है ना, तो फिर यमपुरी के अंदर यमदूत एक्स्ट्रा काम करते हैं, सैटरडे संडे उनको ऑफ नहीं मिलता, कहते हैं क्या करें, सप्लाई ज़्यादा आ रही है भाई। कहते यार हमारी नौकरी खतरे में आ गई, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा हमारा। तो कहते चलो बॉस के पास रहे, कहते बॉस हम आपसे नाराज हो हमसे, आपने सारे एकदम कस्टमर छीन लिए हमसे, अच्छे खासे सब बिट रहे थे, गाजियाबाद की सप्लाई थी, आपने ऐसे क्यों। तो यमराज जी ने बताया, अरे हुआ क्या ना, वो जनक महाराज आए थे, वो जनक महाराज आकर के आए ना, वो एक राम नाम का फल दे गए, वो एक राम नाम का फल क्या दे गए, उससे ये हुआ कि जितने भी नरकवासी थे सब के सब ना तर गए वो, तो इसीलिए फिर अभी खाली हो गया। लेकिन चिंता मत करो, और सप्लाई आ रही है अभी, वो बदमाशों की कमी नहीं है, ये तो एक लॉट साफ हुआ है, ये तो जनक महाराज की वजह से, अभी और लॉट आएगा, हाँ लॉट चले और लॉट लेकर के आए, ऑल आउट आएगा, डोंट वरी, अभी थोड़ा आप सैटरडे संडे आप लोग हरे कृष्णा कर लो, मंडे तक और लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि पूरा का पूरा नरक का नरक खाली हो गया एक भगवान के नाम से, एक भगवान का नाम। ना सिर्फ भगवान का नाम कर्म फलों को, जो हमारे पाप कर्म के जो फल हैं उनको नष्ट करता है, बल्कि पाप करने की जो प्रवृत्ति है, द इंक्लिनेशन टू कमिट सिन, इवन उसको भी नष्ट करने की ताकत है भगवान के नाम के अंदर। नहीं तो पाप कर्मों के फल तो नष्ट हो जाते हैं, किसी नदी में नहाए है, कहीं किसी जगह परिक्रमा कराए, कुछ कराए, उससे पाप कर्मों के फल तो नष्ट होते हैं, लेकिन पाप करने का इंजन तो अभी भी लगा हुआ है, इंजन तो अभी भी लगा हुआ है ना। इंजन तो लगा हुआ है ना, तो इस तरह से पाप करने का इंजन तो लगा हुआ है, पाप 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 पाप, प्राइवेट में पाप, पब्लिक में पाप, छोटा पाप, बड़ा पाप, ऐसा पाप, वैसा पाप, पाप 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 पाप, इंजन बंद हो गया जी पाप करने का। अरे ये कैसे बंद होता है, ये पाप करने का इंजन कैसे बंद हो जाता है, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पाप करने का इंजन ऐसे रुकता है। समाज में कितनी कुरीतियां वगैरह हो जाती हैं, है ना, कभी किस्सा बुरा हो गया, किसी को रेप करके उसको जला दिया गया, फिर लोग कैंडल मार्च करके निकलते हैं, ये अन्याय हुआ है, स्त्रियों का सम्मान कहाँ है, सरकार को योजना बनानी चाहिए, इनको अकेले पत्थर मारने चाहिए, फले ढिमके, हर बार होता है। फिर अभी सब वापस चले गए, सब चाय पी रहे, समोसा खा रहे, एपिसोड ओवर, 6 महीने बाद किसी और के साथ हो जाएगा, फिर चलो कैंडल निकालो, कैंडल है अभी, कैंडल अपनी पिछली बार खत्म हो गई थी, नहीं कैंडल निकालो, फिर नहीं कैंडल लेके जलाए, कैंडल मार्च, गलत हो रहा है समाज के अंदर, फला है ढिमका है, ये है वो है, चलो हो गया, चलो वापस चले, गज्जक खाए रबड़ी खाए सो जाए, फिर 6 महीने बाद कुछ होता है, फिर ये स्थिति क्यों बनी रहती है, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति तो बनी हुई है। यस, तो जब तक पाप करने की प्रवृत्ति नहीं जाएगी, तब तक पाप तो होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे।
तो पाप करने की प्रवृत्ति को भी काटने वाला है भगवान का नाम, इतना शक्तिशाली भगवान का नाम। इसलिए कंप्लीट प्यूरिफिकेशन होता है भगवान के नाम के द्वारा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अब कोई भगवान का नाम ले रहा है अगर, तो भगवान का नाम ले रहा है तो कितनी गंभीरता से लेता है, कितना सीरियसली लेता है। लेकिन अगर कोई नॉन सीरियसली भी ले लेता है अगर, इवन देन ऐसा व्यक्ति तरता है। कैजुअली भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है तो, जैसे एक नाभास, चार प्रकार के नाभास बताए गए हैं। किस प्रकार के नाभास? एक होता है संकेत नाभास, यानी संकेत कर देना किसी और चीज की ओर, लेकिन है वो भगवान का नाम। बड़ा फेमस एग्जांपल नारायण, किसने दिया था? अजामिल ने। जैसे अगर कोई बोल दे आप कहाँ, ये गुड़गांव कौन से स्टेट में है जी, तो किसने बोल दिया? हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। ऐसे उसका नाम ऐसे हरियाणा ही था, लेकिन क्योंकि हरियाणवी लोग जो है ना को अणा बोलते हैं तो हो गया हरियाणा, पर असल में था वो हरियाणा। हरी एक दिन जरूर आना, हमारे के नलायक हैं, लेकिन हे हरी तू आना, हरी आना, हरियाणा ऐसा। अरे वो डेविड धवन की मूवी है, वो हीरो कौन है उसके अंदर? कहते वो गोविंदा है यार। किसका नाम लिया मैंने अभी? गोविंद का नाम ले लिया मैंने। ओह अच्छा, ये कौन से मेट्रो स्टेशन उतर जाए? कहते वो गोविंदपुरी के मेट्रो स्टेशन उतर जाए, वहाँ से तेरे को पिक कर लूंगा मैं। मैंने किसका नाम ले लिया? गोविंद का नाम ले लिया मैंने। आप कहाँ रहते हैं? हम कन्हैया नगर में रहते हैं जी, बड़ा दूर पड़ता है हमको। किसका नाम ले लिया मैंने? यस। अच्छा ये पेट साफ नहीं हो रहा क्या करे जी? कहता है वो हरी तक ही खाओ सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये किसका नाम ले लिया मैंने? हरी का नाम ले लिया। इंग्लिश बोलते कम ऑन हरी अप, यू आर सो स्लो बाबा, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी। किसका नाम ले लिया मैंने? हरी का नाम ले लिया। भगवान का नाम इतना दयालु है, हरि नाम चिंतामणि में आता है कि भगवान के नाम के अक्षर के बीच में कोई और अक्षर भी आ जाए अगर, जैसे रामा, रा और माँ के बीच में आ जाए ज, तो क्या बन गया अभी? राजमा। अगर कोई बोलता है राजमा तो उसमें भी रा और माँ जुड़ करके तो भी पार्शल बेनिफिट देते सुनने वाले को। अगर कोई बोलता है राजमा, इसका मतलब ये ना जपा शुरू कर दे, राजमा चावल राजमा चावल राजमा राजमा चावल चावल, तो भाई नाम बेनिफिट तो इसमें भी है। ये तो नाम की महिमा है, कि नाम की महिमा ऐसी कि अगर कोई राजमा भी बोलता है अगर तो भी उसको पार्शल बेनिफिट मिलता है। जैसे नाम है हरी, हरी ह और री के बीच में आ गया माँ, अभी क्या बन गया? हमारी। ये तो हमारी है, तुम्हारी कहाँ से हो गई? ये तो हमारी है, तो उसमें भी ह और री मिल करके बेनिफिट देते हैं। यानी भगवान कितने डेस्परेट है हमको वापस लाने के लिए। तो इसको बोलते हैं संकेत नाभास, कि आपने संकेत किसी और चीज़ की ओर किया लेकिन आपको बेनिफिट मिल गया। इससे पहले बच्चों के नाम ऐसे रखे जाया करते थे, माधव नारायण राम ऐसे नाम रखते थे। अभी जो नाम है उनको पता ही नहीं, राहुल तो क्या मतलब इसका? कहते हैं ये सर इस पर राहु की कृपा है इसके ऊपर। राहु को देख के केतु उसका दोस्त बन जाएगा। अब तो नामों को कुछ पता ही नहीं कि नाम क्या है। बंटी, सोचो इसका क्या मतलब, वही अर्थ होगा इसका, बंटिया नाम समर्पयाम। तो इससे पहले बच्चों के नाम रखा करते थे तो भगवान के नाम पे रखा जाता था, कि ये इनके इन प्रकार चलो भगवान का नाम ले लेंगे गृहस्थाश्रम में ऐसा। तो ये तो संकेत नाभास। एक होता है स्तोभ नाभास, यानी कि म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भगवान का नाम ले लेना, म्यूजिकल एंटरटेनमेंट। जैसे लोग गाना गाते हैं ना, भजन वगैरह गाते हैं, तो भक्त तो नहीं होते लेकिन हाँ नाम बीच में आ गया। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो या राम, बोलो राम बोलो राम बोलो श्याम श्याम। म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए नाम ले लिया आपने। अगर कोई म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के लिए भी नाम लेता है अगर, तो भी उसको लाभ मिलता है। एक होता है परिहास्य नाभास, यानी हंसी मजाक में आपने हरे कृष्णा कर दिया, किसका मजाक उड़ा दिया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अबे कुछ नहीं होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कर। यह है परिहास्य नाभास, यानी किसी का मजाक उड़ाते हो, अरे क्या तुम हरे कृष्णा हरे, क्या तुम करती रहती है हरे कृष्ण हरे, मीरा भाई बननी तू हरे कृष्ण, कुछ नहीं होगा तेरे हरे कृष्णा से, घर संभाल।
अगर कोई हंसी मजाक में भी अगर भगवान का नाम ले लेता है तो भी लाभ मिलता है उसको, उसको बोलते हैं परिहास्य नाभास। और एक और जो नाभास है वो होता है हेल नाभास, यानी किसी की अवहेलना करते हुए नाम लेना। क्या तुम्हें लगा रखा है हरे कृष्ण हरे कृष्ण, छोर बचा कर रखा तुम लोगों ने, हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहते सुबह सुबह उठ करके, नींद हराम करके रखी है हरे कृष्ण वालों ने। हमारी ड्यूटी वो एक मुस्लिम कम्युनिटी में थे, तो उन्होंने बोला बोलिए हरे कृष्णा, अभी मुसलमान नहीं बोले कहते नहीं तुम तो बोलिए ना, बोलिए 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 हरे कृष्णा बोलिए बोलिए बोलिए। तो भक्त बहुत समझदार था, कहते बोलिए अल्लाह निमाई, कहते हाँ ठीक है अल्लाह निमाई। निमाई कौन? गौरंग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, कहते बोलिए अल्लाह निमाई, कहते हाँ अल्लाह निमाई। ऐसे हमारे गदाधर दास गोस्वामी आचार्य हुए, वो काजी के पास गए कि तुम बोलो हरे कृष्णा, कहता मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा, मैं कल बोलूंगा हरे कृष्णा, कहते हो गए तेरा आज ही हो गया हरे कृष्णा। तो ये इनके इन प्रकार इन भी अगर कोई भगवान का नाम ले लेता है इवन देन दैट पर्सन गेट्स बेनिफिट। तो इसको ही तो नाभास चैंटिंग है, अगर इस तरह से कोई नाम ले तो भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। इवन एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है ये, कि जो पानी के क्रिस्टल्स होते हैं वो साउंड वाइब्रेशंस को रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर पानी हो, पानी आगे खड़े होकर गाली दे, तू तो ये है, तू तो वो है, धरती पे बोझ, मर जा कहीं की कमी ने, ये वो। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा गया तो उसमें ना बड़े ही अजीबोगरीब से, बड़े डिस्टॉर्टेड से पैटर्न्स बने उसके अंदर। और दूसरा था कि ना जब बड़ी तारीफ की गई, प्रशंसा, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो हमारे जिगर का टुकड़ा हैं, आप तो माशाल्लाह हैं, आप तो कमाल हैं, आप तो तोपची हैं, आप तो चकदे फटने हैं, ऐसे करके खूब बढ़िया बढ़िया बातें की गई, तो उसने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही सुंदर क्रिस्टल पैटर्न्स बने। और जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हुआ वहां पर, और फिर जब पैटर्न देखे, इतने खूबसूरत पैटर्न बने, बहुत ही ज्यादा, मतलब अनपैरेलली खूबसूरत। व्यक्ति सोच नहीं सकता कि पानी के क्रिस्टल्स में इतने सुंदर पैटर्न कैसे बन सकते हैं। तो यानी कि इवन डेड मैटर जो होता है, जो जड़ पदार्थ है, वो भी रिएक्ट करता है भगवान के नाम को। हमारी बॉडी के अंदर 70% क्या है? पानी। तो हमारे बॉडी में 70% पानी है, अगर अच्छी वाइब्रेशंस मिलती हैं इसमें तो अच्छे क्रिस्टल्स बनते हैं, अगर गाली गलौज देता है तो उनमें खराब क्रिस्टल्स बनते हैं, क्योंकि आपकी भावना खराब हो जाती है। लेकिन सबसे बेहतरीन क्रिस्टल कब बनते हैं? जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है या नाम जप होता है, वो जब ये होता है तो उसकी वजह से बहुत सुंदर क्रिस्टल्स बनते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति की भावनाएं अच्छी हो जाती हैं जब भगवान का नाम लेते हैं। तो आप से कितने लोगों का अनुभव है कि आपने सुबह सुबह उठ के जब भगवान का नाम लिया, सुबह उठ करके, और आपका नाम जप बहुत ही मक्खन मलाई था, एकदम आपका पूरा दिन मक्खन मलाई निकला। Yes. और जिस दिन आपने सुबह रगड़ा मार गया, अरे जय रे जय राम, जिस दिन ऐसी रगड़ा मार झंडेंगे, पूरा दिन रगड़ा मार हो गया, कहता है अरे भाई आज तो दिन में कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन सुबह सुबह उठ के अगर आपने पूरी जान ठोक दी भगवान का नाम लेने में, अगर आप भगवान का नाम लेने में जान दोगे तो नाम आपको क्या देगा? जान। नाम बोलेगा अरे मेरी जान, तूने अपनी दी अपनी जान, ले ले और जान। तो जानदार भक्त वही होता है जो जान लगा करके भगवान का नाम लेता है। यस। तो भगवान का नाम जो हमें जान लगा करके लेना चाहिए, पूरा ठोक करके अच्छे से, कि आज मैं अपनी जिंदगी की सारी शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, वाचिक शक्ति, अभी इस वक्त हरे कृष्ण महामंत्र में लगाऊंगा। तो आपने पूरी जान लगा दी भगवान का नाम लेने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, तो वापस आपको क्या मिल जाती है? जान। आप देखो, जानदार भक्त वही हैं जो नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, जो नाम संकीर्तन से भाग जाते हैं, कहते हैं अरे वो अभी हरे कृष्ण करेंगे यार, अभी तो अभी बाहर ब्रेड पकौड़ा खाते हैं अभी हम लोग। ऐसे लोग बेजान रहते हैं, इनको ना खुद को फीलिंग आती है ना बाकी लोगों को फीलिंग आती है इनको देख करके भक्त है। वो खुद से पूछना है तू भक्त है ना? क्यों? मुझे जान नहीं। अच्छा जान कहाँ से आती है? तो वो हरे कृष्णा से आती है। तूने अपनी जान दी थी ना? तो ऐसे लोग जो है फिर वो बेजान ही रहते हैं। इससे सारी, अगर आपको जान चाहिए जीवन में, और आपको चाहिए कि आपका जीवन बहुत ही सिल्की स्मूथ चकाचक रहे, उसे लिए क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए।
हमारी सारी समस्या को एक ही समाधान है, चैंटिंग हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी अक्सर मीटिंग में बोला करते थे, प्रभुपाद जी बोला करते थे, इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी मीटिंग्स एंड इन द मीटिंग सो मेनी रेजोल्यूशंस एंड एवोल्यूशंस एंड डिसोल्यूशंस एंड एट द एंड नो सॉल्यूशंस, दे शुड बी चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा। क्योंकि इतना मीटिंग फीटिंग धूम धड़ाका करते हो ना यार, तो अच्छे से चैंटिंग कर लोगे ना अगर, तो वो मीटिंग की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो श्री प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था गिरिराज महाराज। अब गिरिराज महाराज जो थे, इनको जुहू इस्कॉन जुहू का मंदिर दिया गया था। इस्कॉन जुहू छोटा है बड़ा है? बहुत बड़ा मंदिर है। जितना बड़ा मंदिर उतनी बड़ी समस्याएं, उतनी तरह की समस्याएं। छोटे मंदिर में ज्यादा समस्याएं होती नहीं, बड़े मंदिर में कई समस्याएं भी होती हैं। कोई कोई कई लोग शिकायत लेकर आते हैं कि हमको VIP कार्ड नहीं मिला जन्माष्टमी का, हम इतने साल से सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, कहां है हमारा VIP कार्ड जन्माष्टमी का? हो गया उसका BP ऊपर नीचे हो गया, VIP कार्ड नहीं मिला उसका, किसी से गमछा चोरी हो गया, किसी प्रसाद की प्लेट नहीं मिली उसको, किसी ने उसको सुना दिया तू तो धरती पे बोझ जा मर जा कहीं जाके, बस उसके बाद उसने मंदिर आना छोड़ दिया। इस तरह के छोटे बच्चे छोटर पुटर हो जाते हैं। तो कोई ना कोई समस्या लेकर के आया करते थे गिरिराज महाराज के पास लोग, तो सोचते थे सारा समय तो इसी में जाता है, क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने ना एक बार उनको ये डायरेक्शन दी थी कि ना हफ्ते में एक दिन 24 आवर हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दिन होना चाहिए ऐसा। तो ऐसा फिर गिरिराज महाराज को बाद में क्लिक किया, कहते एक समय प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था कि ना हफ्ते में एक दिन 24 आवर हरिनाम संकीर्तन होना चाहिए। और ठीक है शुरू करते हैं। तो संडे महाराज ने शुरू किया ये हरिनाम संकीर्तन शुरू किया वंस इन अ वीक। तो जितने लोग समस्या लेकर के आते थे उनके पास, तो महाराज बोलते थे हाँ बिल्कुल आपकी समस्या तो बड़ी गंभीर है, क्या मैं आपसे मंडे को मिल लूँ? कहते हाँ मिल लेंगे, मंडे को आ जाएंगे। उनका मंडे को ना गिरिराज महाराज का, मैं मंडे को आपका 100% आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। कह ठीक है फिर मंडे को आता हूँ, फिर कर देना फिर देखिए समस्या का समाधान। हाँ जी बिल्कुल। कहते अच्छा हाँ सुनो वो संडे को ना वो हरिनाम संकीर्तन है उसमें जरूर आना। कह ठीक है संडे को भी आ जाएगा। हाँ संडे को आओ तो फिर मैं मंडे को मिल पाऊंगा। कहते ठीक है संडे को आऊंगा। जितने लोग संडे को आते थे हरिनाम के अंदर 95% वो मंडे को आते ही नहीं थे। हरिनाम सुन लिया, भगवान का नाम सुन लिया, तो यार क्या यार छुटर पुटर बातों फंसाऊं मैं, छोड़ो क्या जाना मंडे को, जाते नहीं थे। तो इसीलिए सारी समस्याओं का समाधान कैसे? भगवान का नाम लेकर। 1978 से 1992 कितने साल हो गए? 14 साल। 14 ईयर्स गिरिराज महाराज ने विद अ सिंपल टेक्निक मंदिर मैनेज किया। कैन आई मीट यू ऑन मंडे? हाँ अच्छा वो संडे को हरिनाम है ना उसमें जरूर आना। हाँ संडे को आए, मंडे को आए नहीं। तो 14 साल इस्कॉन जुहू जैसा बड़ा मंदिर, उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए सिंपल तरीका, कैन आई सी यू ऑन मंडे? हाँ श्योर। अच्छा संडे को हरिनाम है उसमें जरूर आना। ये टेम्पलेट महाराज ने फिक्स किया होता। बस जो जाते थे वो फिर समस्या लेके आते नहीं थे, क्योंकि समस्या असल बताए कहाँ पर है? मन में। समस्या और कहीं नहीं है, ये सब मन का खेल है, सब मन का खेल है। अवंती ब्राह्मण की कथा आती है 11 स्कंद में, तो ना वो इस बात का एनालिसिस करते हैं कि दुनिया के अंदर जो दिक्कतें हैं वो किसकी वजह से? दिक्कत जो है ना ये ना देवी देवताओं की वजह से होंगी दिक्कतें। लेकिन देवी देवता जो है मेरे, वो तो शरीर को इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारी पर्टिकुलर इंद्रियां जो होती है पर्टिकुलर देवता की बात होती है। जैसे निमी नाम का एक देवता है, वो हमारी पलकों का झपकना कंट्रोल करता है। अगर वो हमसे नाराज हो जाए तो आपकी आंखें ऐसे खुली रहेंगी, क्या प्रूफ आज झपकते नहीं हो? कहता नहीं वो निमी नाराज है मेरे से आज। तो देवी देवता है ये, तो सिर्फ हमारे शरीर को देखते हैं, तो इसीलिए वो भी कष्ट का कारण नहीं है। अच्छा फिर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ये ग्रह वगैरह होंगे, ये शनि केतु राहु वगैरह ना, ये दुख का कारण होंगे। तीसरी 7.5 चल रही है जी, ये तो जलते हुए बल्ब को हाथ लगाते बुझ जाए वो, इसका राहु चल रहा है, इसका काल सर्पदोष है जी इसका। तो नहीं ये राहु केतु शनि ना ये इनकी वजह से दिक्कत होगी। लेकिन ये भी जो है ये तो हमें सिर्फ अपने कर्मों के फल दे रहे हैं। वैसे शनि राहु केतु ये ऐसे नहीं कुछ एक्स्ट्रा इंसान हो, कोई दुश्मनी इनके हमारे साथ। ये शनि ने कहा अब मैं इसके ऊपर अपनी नजर डाल दूंगा 19 साल के लिए, इसका बैंड बजाऊंगा मैं। जो हमारे कर्मों के फल है वही भुगतना होता है, वो बेचारे रेगुलेट कर रहे हैं दैट्स इट। तो इसीलिए ना ये राहु केतु शनि ये भी दुख का कारण नहीं। कहता ये मेरे आसपास के लोग हैं ना ये दुख का कारण होंगे, ये मेरी बीवी मेरे खून चूसू मेरी बीवी, ये मेरा सन की पति, ये मेरा पेच कसने वाला बॉस, ये मेरे ना कहना कह मानने वाले बच्चे, ये सरकार, ये दुख का कारण होंगे। हाँ ये होगा। नहीं ये भी दुख का कारण नहीं होते, क्योंकि ये लोग खुद ही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। जो परिस्थितियों में खुद फंसा हुआ वो मुझे वाला दुख क्या देगा?
तो इसलिए ये लोग भी दुख नहीं देते। अच्छा फिर ये ना समय दुख देता होगा, कहते इसका समय खराब चल रहा है जी, टाइम खराब है, तो ना ये समय जो है ना ये दुख का कारण होगा। फिर कहते नहीं लेकिन काल तो भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, मैं आत्मा में भी आध्यात्मिक शक्ति, एक आध्यात्मिक शक्ति दूसरी आध्यात्मिक शक्ति को दुख क्यों देगी, एक आग दूसरी आग को जलाती है क्या, नहीं। कहते फिर ये यानी ना टाइम भी जो है दुख का कारण नहीं है। फिर दुख का कारण जो है फिर एक ही है, ये अहंकार से दूषित मन, ये ही दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। इसलिए अगर आप देखो जहां भी कॉन्टेम्प्लेट करेंगे ना, असल में दुख जो व्यक्ति मरता है अपने मन के कारण ही मरता है। जैसे मैं एक माता जी से मिला था, उनकी घर वाले कहते थे देखिए जी हमारी ये जो बहू है बहुत दुखी रहती है, आप थोड़ी काउंसलिंग कर दो इनकी। हमने कहा ठीक है थोड़ी बात करते हैं माता जी से। हमने कहा माता आप दुखी रहते हो, कहते हाँ वैसे ही ना बड़ा डिप्रेशन सा रहता है मेरे को, दुखी दुखी रहती हूँ मैं। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, आपका पति सनकी है? मैंने देखिए आजकल क्या कलयुग का माल है, देखिए ये सब, ये 16 सोमवार के व्रत भी रख रहे हैं लड़कियाँ, तो ये मिलते हैं आड़े टेढ़े मिलते हैं, क्योंकि ना देखो ये कलयुग में माल जब मैन्युफैक्चरिंग खराब है तो इसमें शिवजी बेचारे क्या करेंगे, है ना। नहीं 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 आप ऐसा मत बोलिए, आप देवता समान है मेरे पति तो। मैंने कहा अच्छा फिर आपके सास ससुर हैं ये पेच कसते होंगे आपके। मैंने कहा देखो अपनी बेटी होती है, पराई बेटी होती है, इट्स ओके आप देखो इस बात को स्वीकार करते। नहीं 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 माता पिता के समान प्यार करते हैं मेरे को मेरे सासू माँ और ससुर जी। कहते अच्छा। मैंने कहा अच्छा फिर आपकी हेल्थ खराब रहती होगी आपकी? कहते नहीं बिल्कुल हेल्थ खराब नहीं है, बहुत तगड़ी हूँ, किसी को दबा दूँ मर ले वो एकदम। मैंने कहा अच्छा तगड़ी है मैया खूब, बहुत बढ़िया। मैंने कहा फिर आपके बच्चे कहना नहीं मानते होंगे? मैंने कहा देखिए बच्चे भी क्या है, कलयुग का माल ही तो है ये देखो ना, तो इसीलिए इनसे सतयुग वाले एक्सपेक्टेशन रखना ही गलत है। कहते नहीं नहीं जी मेरे बच्चे तो बहुत कहना मानते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर फाइनेंशियल क्राइसिस रहते होंगे? मैंने कहा देखिए लक्ष्मी क्या है ना, ये भगवान के चरणों में ही है, बस वहाँ स्थिर रहती है, बाकी तो चंचला है ये। आज जो राजा है वो रंक है, जो रंक है फिर वो राजा है, ये तो पैसे का आना जाना तो लगा रहता है। कहते नहीं 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 हमारे तो बहुत पैसा है, हमारे यहाँ तो खेत खलिहान भी हैं, हमारे वहाँ से सब्जियाँ भी आती हैं, हमारी गौशाला भी है, वहाँ से ताज़ा दूध भी आता है, सब बढ़िया है। मैंने कहा माता जी फिर आपको दिक्कत क्या है लाइफ में? कहते दिक्कत ये है कि ना मैं चाहती हूँ अमेरिका सेटल हो जाऊँ, मेरे पति कहते हैं नहीं इंडिया में रहना है, ये सोच सोच के मैं दुखी हूँ। तो दुख कहाँ है वास्तव में? मन में, मन के कारण ही वास्तव में दुखी है व्यक्ति, मन के कारण। लेकिन मन को तारने वाला कौन है? मंत्र। मन को तारने वाला क्या? मंत्र। और मंत्र भी ऐसा हो जो महामंत्र हो। अरे नहीं, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जो लोग बहुत दुखी होते हैं तो ना भगवान का नाम भी नहीं ले पाते। अगर किसी बोला आप हरे कृष्णा क्या करिए, कहते क्या बोल रहे हैं आप, हरे कृष्णा करें, आपको पता है भाई लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहिए हरे कृष्णा करो, हरे कृष्णा करो, हमारी लाइफ में क्या चल रहा आप नहीं जानते आप। दुखी होते हैं तो नाम नहीं लेते, कहते अरे अरे भैया तो बहुत दुख चल रहा है लाइफ में, तो इसलिए हरे कृष्णा नहीं कर पाते। कहते एक बार ये समस्याएं सिमट जाए ना, करेंगे ना अभी हरे कृष्णा। ये तो बिल्कुल वैसे को बोले बस एक बार ठीक हो जाए दवाई खाएंगे ना, ये ठीक है, एक बार बस ठीक हो जाए बस स्वस्थ हो जाएंगे फिर गोलियां खाएंगे जो आपके ये पीली गिली जो भी है ये। अरे भाई गोली खाएगा तभी तो ठीक होगा। तो असल में आप देखो ज्यादातर लोग जब चिंता में मग्न होते हैं ना, और जब हरे कृष्णा भी कर रहे होते हैं तो उस वक्त चिंता ही सोच रहे मतलब होते हैं, माला के अंदर हाथ होता है वो हालांकि उनका, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हमारे साथ ही हो रहा था बताओ, हरे राम हरे राम, पता नहीं भगवान देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम राम, पता नहीं भगवान को तरस आता है इनके आता अपने भक्तों को देख करके जो हरे कृष्ण, पता नहीं भगवान कब दया करेंगे इनका, पता नहीं है नहीं है इन मूर्तियों में भगवान, पता नहीं कृष्ण 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 राम 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 राम। ऐसे नाम लोगे तो कुछ होगा भी नहीं, फिर कहेंगे दी हमने तो किया हरे कृष्णा कुछ नहीं हुआ, ऐसे करके तो बेटा कुछ होना भी नहीं है वैसे, ये किश किश राम राम किशमिश किशमिश काजू काजू करते कुछ हुआ ना तुम्हारा कुछ। तो डॉक्टर के पास भी जाते तो पूरा हृदय के साथ जाते कि डॉक्टर साहब देखिए अब आप मेरा इलाज करिए और दवाई अच्छे से खाओ तो ठीक होते हैं ना, तो वैसे ही डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक करेगा ये हरे कृष्ण महामंत्र करता है
होता है। मेरा एक भक्त था, थोड़ा मन मुटाव था, मतलब संभव वो मेरे को पसंद नहीं करता था कि ये क्यों ये इतना जवानी में इसको मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया, इसको यंग सा तो है, बस थोड़ा अंग्रेजी बोले था और नहीं तो कहता क्या गधा आदमी है तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था मेरे को वो। अब है मंदिर में है, आप क्या करें। तो मैंने उसके साथ बस यही किया, कीर्तन में उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया बस। मैंने कहा ये ब्रज थोड़ा मिलकर डांस करते हैं हरे कृष्णा पे, तो हम साथ मिलकर डांस करते हैं। तो पसंद नहीं आता, हाथ पकड़ लिया इसने मेरा, हाथ धोऊं बाद में तो। लेकिन ना हमने थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, हम डांस करते साथ में बाजू मिला करके हम डांस कीर्तन करते हैं। ऐसा करते करते हमको जो है कुछ दिन हो गए, एक महीने के अंदर अंदर वो व्यक्ति मेरा मित्र बन गया, क्योंकि हम संकीर्तन में साथ नाच लिए। तो समस्या का समाधान है हरिनाम में, सब समस्या का समाधान है। हमारे संबंध अच्छे होते हैं, हमारी मानसिक बुद्धि, हमारी चेतना, सब ठीक होता है, लेकिन हम इसको सरेंडर नहीं करते इसीलिए ऐसा। तो इसलिए समस्या का समाधान जो है इसी में, और अल्टीमेटली भगवान का नाम हमें क्या देने वाला है, कृष्ण प्रेम देने वाला है, कृष्ण प्रेम। वैसे भगवान ही गॉड नाम भी है, सर्वव्यापी, सर्वसाक्षी, ऐसे नाम है, अल्लाह, क्राइस्ट, ये भगवान के नाम है, लेकिन एक गॉड नाम है। मुख्य नाम है गोविंद, गोपाल, राधानाथ, गोपीनाथ, वृंदावन चंद्र, यशोदानंदन, गोविंद, मदन मोहन, ये भगवान के मुख्य नाम है। और जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये माधुर्य नाम है, ये जो है मुख्य नाम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो माधुर्य नाम, ये गोलोक वृंदावन में एंट्री कराने वाला नाम है हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा। और ये हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर स्पेशली आप देखो, इसमें कोई नमा नमा, नमो नमा, नमो नमस्ते, अहम त्वम तुमामी, इमम उमम कुछ नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ नाम है, हरे कृष्णा एंड राम, दैट्स इट। तो नाम ही नाम है इस हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर। तो वो हृदय से अगर वाकई में नाम लेगा अगर, तो होता क्या है, हमारी चेतना जो है अपलिफ्ट कर देता है भगवान का नाम। जैसे अगर कोई बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, उसके नीचे को खड़ा हो, कहने अरे भाई बहुत ऊंची जी बिल्डिंग है भाई, लेकिन फ्लाइट से जा रहे हो तो सेम बिल्डिंग छोटी नजर आएगी, राइट। बिल्डिंग छोटी हो गई क्या, बिल्डिंग उतनी ही है, लेकिन आपका ऑल्टीट्यूड, आपकी जो ऊंचाई है वो ऊंची हो गई, तो इसीलिए वो सेम बिल्डिंग छोटी नजर आती है। ऐसे कई लोगों की लाइफ में बड़ी समस्या है, कहते हैं बड़ी समस्या है जी, देखिए ये बड़ी समस्या, वो बड़ी समस्या, ये बड़ी समस्या, लेकिन असल में समस्याओं की हाइट ये दिक्कत नहीं है, मेरी चेतना का लेवल लो क्लास है इसीलिए दिक्कतें नजर आती हैं। लेकिन ये चेतना ऊपर उठ जाती है जब, तो प्रॉब्लम की हाइट सेम ही है, लेकिन वो कैसी नजर आती है, छोटी, क्योंकि मेरी चेतना का लेवल ऊंचा हो गया। चेतना का लेवल नीचे होगा, अरे जी बहुत समस्या है जी, बहुत समस्या है, जिंदगी हमारे मर गए हम, खप गए हम, खून चुस लिए हमारे, सूख गए हम साहब जी। अच्छा सर आप कहाँ खड़े हैं, कहते हम बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं। तो बिल्डिंग के ऊपर जाओ ना, ऊपर क्या, और ऊपर जाओ। पर ये ऊपर जाना कैसे होता है, ये ऊपर जाना होता है भगवान के नाम का जप और कीर्तन श्रद्धा पूर्वक, भजताम प्रीति पूर्वकम। भजन कैसा करना चाहिए, प्रीति पूर्वक करना चाहिए। कई बार डिवोटीज भगवान के नाम पे ध्यान लगाते हैं, वो बताओ नाम पे ध्यान लगाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम नाम पे क्या लगाना चाह रहे हैं, ध्यान। ध्यान योग कौन सी युग के लिए है, सत्ययुग के लिए है। कलयुग वाले बेचारे ध्यान नहीं लगा पाते। कलयुग में जो विधि है वो है भगवान के नाम को पुकारना, ये विधि है। ध्यान व्यान हमसे नहीं होने का, वो हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खराब है उसके लिए, इस बात को स्वीकार करना चाहिए हमें। इसलिए ध्यान लगाने का जो वास्तविक तरीका क्या है, ध्यान लगाना ही नहीं है, ठीक है जी। ध्यान लगाने का तरीका क्या है, कि ध्यान लगाना ही नहीं है, भगवान के नाम को पुकारना है। जब आप पुकारेंगे ना, पुकार के अंदर ध्यान अपने आप लग जाता है। जैसे अगर कोई कुएं के अंदर हो और कोई पुकारे, अगर अरे कोई है, अरे कोई निकालो भाई, इससे आपका ध्यान भटकेगा नहीं, ऐसा होता है अरे कोई है, कोई निकाल लो भाई, ऐसा होगा कभी, ऐसा कोई पुकारता है
पुकार के अंदर स्वाभाविक है कि ध्यान तो आपका पुकार में रहेगा, राइट? कोई कुएं के अंदर हो, अगर पुकारे ही ना तो भी क्या होगा, फिर कोई नहीं आएगा, फिर कोई है भाई तो आ जाओ भाई, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई आएगा बचाने के लिए। तो इसलिए पुकारना, भगवान के नाम को पुकारना, कॉलिंग आउट कृष्णाज नेम, दैट इज द वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यही आत्म साक्षात्कार, आनंद और भक्ति में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का यही तरीका है, भगवान के नाम को पुकारना, पुकारना है। तो हमारा जपा भी कैसा होना चाहिए, पुकार जैसा होना चाहिए, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पुकार ऐसा होना चाहिए। कीर्तन करें, पुकार पुकार होनी चाहिए उसके अंदर। तो पुकार की भावना के अंदर ये नेचुरल है कि आप उस पुकारने वाले जो व्यक्ति है उस पर ध्यान आपका रहेगा, नहीं तो ध्यान यहाँ वहाँ भटकेगा। तो इसे ध्यान नहीं लगाना नाम के ऊपर, हमें नाम को पुकारना है, यस। और जब दिक्कत हो तो फिर तो और अच्छे से नाम लेना है, तभी दिक्कत जाएगी, अदरवाइज दिक्कतें रहेंगी। वो दिक्कतें कहाँ हैं, मन में। मन को कौन तारता है, नाम, हरि का नाम, कृष्ण नाम। ओके, हम ये भी विराम देंगे। किसी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, आधा घंटा क्वेश्चन से लेंगे ना। ओके, माइक 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 बोलिए, माइक का लाल। हाँ जी, हरे कृष्ण। देखिए, जो बैठना होता है उसमें बहुत आपको ऐसे भी नहीं बैठना है, यानी फॉरवर्ड कर्व ना बैकवर्ड कर्व, ये भी नहीं करना, ऐसे बैठना चाहिए, ठीक है, ये अच्छा रहता है। और बैठ के जपा करें, दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आपको नींद आ रही है जपा करते वक्त, अगर आप पद्मासन में बैठ सके, दैट इज वेरी गुड। पद्मासन जब सब जानते हैं, पद्मासन, ये टांग यहां पर और ये टांग यहां पर, पद्मासन में नेचुरल है कि ना आपकी जो पीठ है वो सीधी रहेगी। तो अगर नींद अगर आ रही है, आप पद्मासन में बैठे, आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन जिनकी थाइज बहुत मोटी हैं उनको दिक्कत जाएगी, वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर उनके लिए टेक्निक नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे बैठे अगर आपको नींद आ रही है तो ठीक है, और पीठ जो है सीधे खींचना, बहुत ऐसा कर्व ना फॉरवर्ड वाला कर्व। और आंखें अगर पूरी बंद कर दी आपने तो आप सो जाओगे, हरे कृष्णा स्लीप। और पूरी खुली रखी तो फिर तो यहाँ वहाँ, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। तो इसीलिए पूरी खुली भी नहीं और पूरी बंद भी नहीं, बीच में। तो आपने जैसे यहाँ हरे कृष्णा मतलब कार्ड रख लिया आपने, तो अब इतनी आँखें खुली बस आपकी, बस अब पूरी बंद हो जाएंगी तो फिर बंद हो जाएंगी। उनको शौक है ना बंद होना, अभी बंद होके आई है वो। और होता क्या, हमने देखा है सुबह सुबह कभी लोग अंधेरे में जपा करते हैं, कहते हैं बस बस अब बत्ती वत्ती बुझा दो सब, और सब मिल करके आओ, पूरा मूड बनाते हैं। तो इसलिए अफकोर्स नो डाउट, कभी कभी जपा करते हुए नींद भी आती है, ऐसा होता है। एक बार व्यक्ति था, वो भक्त से मिला, कहता आपकी फिलॉसफी क्या है वैसे? तो भक्त ने बोला हमारी फिलॉसफी है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कहता अच्छा, तो कब करते हैं आप लोग की चैंटिंग? कहता हम लोग सुबह 5:15 से 7:15 बजे तक करते हैं चैंटिंग। तो व्यक्ति ना सुबह सुबह 5:15 बजे आ गया, और यहाँ डिवोटीज लगे हुए थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम, ये सब नज़ारे वो देख रहा था, ठीक है, और एक घूम रहा है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। वो धोती कितने के लेके आया तू यार, सो नाइस, क्या क्या चीज़ है, खादी, एकदम मटका सिल जैसा फील आ रहा है। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे। ये गोपी ड्रेस ये गाजियाबाद है, इस कौन गाजियाबाद है, मैं होती मैं ले लेती पिछली बार, राम हरे राम राम राम। वो ये सारे नज़ारे देख कर ही गया वो, तो भक्त को बोला कहते ये चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी,
ये तुम्हारा चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो भक्त ने कहा देखिए कल जो मैंने आपको बताया था ना वो हमारे सिद्धांत की समरी थी। पूरी फिलॉसफी है चैंट हरे कृष्णा स्ट्रगल एंड देन बी हैप्पी। तो बीच में इंपॉर्टेंट शब्द क्या है स्ट्रगल। पर ये स्ट्रगल अच्छा है, ये स्ट्रगल जो है सकारात्मक है। भावी लोग स्ट्रगल कर ही रहे हैं पर ये स्ट्रगल बनता है तो इसलिए स्ट्रगल करना चाहिए। तो नाम जब जो है लेने के लिए बहुत ज़रूरी। तो हम लोग ऐसे बैठे हैं बहुत अच्छा है। एक इम्पॉर्टेंट जो कारण जिस वजह से भक्तों को नींद आती है वो ये कारण है कि जिनका पेट साफ नहीं होता। पेट साफ ना होने की वजह से क्या होता है गैस बनती है, गैस ऊपर चढ़ती है और बंदा सो जाता है, इसलिए होता है पेट साफ नहीं होता। इसलिए आजकल खूब निकले हुए हैं पेट सफा ये सब गोल, ये सब दुकानदारी को चल रही कहता है खाली नहीं होता इन लोगों का, बर्गर ने कर दी गड़बड़ पड़ा हुआ अंदर तो इसीलिए जो है उससे गैस निकलती है, इसलिए भक्त नींद आती है। भक्त हैरान होता है मैं नहा करके आया हूँ एकदम फ्रेश पर जैसे ही इसमें हाथ घुसा ये भक्त शेयर करते कहते मेरी नाम में इसलिए भी रुचि है कि इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो सुला देता है। जब जैसे इसको छूता हूं बस मेरी तो नींद की गोलियों के खर्चे कम हो गए कि जैसे ही माला को हाथ लगा मैं तो एक भक्त को मिला मैं वो क्या करता था जपा करता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण। अब सो गया वो 10 मिनट के लिए फिर 10 मिनट उठा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। मैंने कहा भाई इसने हरे कृष्ण कब किया बीच में। अब ये 2 घंटा करने के बाद मैंने बोला और कितनी वाला हुए कहता है प्रभु जी आज तो 14 ही हो पाई। भाई हम जगह जगह में 12 करते हैं ये सोई सो में 14 कर गए। कमाल है भाई साहब। तो एक बहुत बड़ा कारण जो नींद आने का आपको हमारी नाम में रुचि नहीं हो तो एक कारण चलो है ही है लेकिन एक जो कारण है नींद आने का वो ये है कि पेट साफ ना होना। तो हालांकि महाप्रभु ने बताया क्या चेतो दर्पण मार्जनम लेकिन चेतो दर्पण मार्जन से पहले पता है क्या आता है उदर दर्पण मार्जनम। अगर आपको उदर का दर्पण साफ नहीं ना तो फिर क्या होगा फिर आपका चेतो दर्पण मार्जनम भी नहीं होगा। तो इसीलिए पेट जो है अच्छे से साफ होना ये भी जरूरी है। उसके लिए प्राकृतिक फूड खाएं वो ज़्यादा अच्छा है। रात को नहीं खाना चाहिए दैट इज़ बेस्ट। प्राकृतिक फूड लें सैलड्स लें वो बहुत अच्छा है। तो क्लीनिंग होगी तो बढ़िया रहेगा। और इनका पुराना उन्होंने जो काफ़ी लेयर इकट्ठी कर रखी है वो एनिमा से करके साफ करेंगे गैस नहीं बनेगी आपको नींद नहीं आएगी जपा में। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने जैसे प्राकृतिक फूड ज़्यादा लेना शुरू किया एनिमा से क्लीनिंग वगैरह अच्छे से की मुझे 90% समय जपा में नींद नहीं आती। 90% पहले 90% आती थी पहनान होता था यार जपा में नींद क्यों आती है पता नहीं कहाँ हम जपा ठीक से कर पाएंगे मेरी नाम में लगता है रुचि बिल्कुल नहीं है शायद। रुचि चाहे हो चाहे ना हो लेकिन अगर आपकी हेल्थ खराब है ना तो भी नींद आएगी। तो ये बहुत बड़ा कारण नींद आने का। दूसरा जो कारण है नींद आने का जपा के समय में वो है कि हम लोगों का पानी पीना कम है। हम लोग शहर में रहने वाले लोग जो है ना हम लोग पानी कम पीते हैं। हमारे अंदर लिक्विड इनटेक है दाल से ज़्यादातर या कुछ मतलब कभी हुआ जो लोग चाय पी लेते हैं अदरवाइज क्या लिक्विड इनटेक है ही नहीं। जब लिक्विड बॉडी में कम जाता है तो लीवर गर्म हो जाता है उससे लीवर गर्म होता है तो उसकी हीट जाती है हार्ट के पास। हार्ट पंप करता है गर्म ब्लड को ब्रेन में। जब गर्म ब्लड जाता है ब्रेन के अंदर तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये व्यक्ति थका हुआ है इसको सो जाना चाहिए। इसलिए जो अक्सर लोग सो जाते हैं नाम जप करते हुए। तो इसलिए इसके चाहिए क्या उसके लिए चाहिए कि हमें पानी का इनटेक बढ़ाना चाहिए। और पानी कैसे लेना चाहिए हमें पानी लेने का तरीका है। पानी लेने का तरीका क्या है जैसे बंगाली बोलते हैं जल खोबे कहते जल पीबे नहीं बोला जल खोबे बोला क्योंकि जल हमको खाना चाहिए। ऐसे करके जो खाने वाली चीज़ है उसको पीना चाहिए यानी कि जो भी खाएं उसको इतना च्यू कर दें कि वो लिक्विड बन जाए। दांतों का काम हाथों से नहीं लेना चाहिए। और दूसरा क्या है जल खोबे जल हमको खाना चाहिए। फिर कम पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा आप क्लियरिंग अच्छी होगी गैस नहीं बनेगी आपको नींद नहीं आएगी जपा करते वक्त ऐसा होता है। तो इसीलिए भजन और भोजन दोनों जो हैं उनका लिंक है तो इस वजह से भी जो है नींद आती है भक्तों को ये भी कारण है।
बाकी है कि भक्ति स्नान सुरेश ठाकुर बोला करते थे, अगर आपको नींद आती है अगर जपा करते वक्त, तो आपको उच्च स्वर में भगवान का नाम लेना चाहिए। अगर मध्यम मध्यम लेते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसा अगर हो रहा है अगर, तो थोड़ा डिस्टेंस से बैठ करके थोड़ा ऊंचा ऊंचा नाम लें, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा करेंगे तो उससे क्या है, जो इनर्शिया है, जो नींद है, तमस है, वो झड़ करके अलग हो जाता है फिर वो। तो ये भी एक तरीका है नींद से बचने का। आपको बैठ करके अगर नींद आ रही है अगर, तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, खड़े होकर जपा करना चाहिए। और अगर आपको खड़े होकर भी अगर झोंके आ रहे हैं अगर, हरे कृष्ण हरे राम तो फिर चल के जपा करना चाहिए, हौले हौले चल करके जपा करना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं तोड़ 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 हरे कृष्ण तोड़ 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 क्या प्रभु जी गाजावत की परिक्रमा लगाए लेते 16 माला करते करते ना, एक कोना हो जहाँ हल्के हल्के चलना चाहिए, वैसे करके चलते हुए जपा करना चाहिए। और अगर आपको चलते हुए भी अगर हो रहा है हरे कृष्ण राम राम चलते हुए भी हो रहा है, फिर हमको दौड़ करके जपा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो करते नींद अगर आई और फिर आपको चोट लगी, क्योंकि आपसे पूछे आपको चोट कैसे लगी, कहते हैं आई वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण तो उसके बाद ही नींद आ रही तो जाके सो जाओ, नाम प्रभु बोलो कि हरि नाम प्रभु आप तो बहुत महान हो, लेकिन मेरे को इतनी इसमें नींद आई हुई है, मैं आपसे आफ्टर 45 मिनट्स 1 आवर मैं आपसे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ अभी जाके रेस्ट करो। ठीक है, सो पद्मासन इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, अगर कर सके वेरी गुड, नहीं कर सकते हताश होने वाली बात नहीं, इट्स ओके। और कोई सवाल किसी का? यस हाँ यस माता जी बताइए। यस हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू थैंक यू। दया प्रभुपाद जी की हाँ जी हाँ जी हाँ जी यस यस। तो सुबह उठना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जितने भी सफल लोग हैं वो सब सुबह जल्दी उठते हैं। नरेंद्र मोदी जी 12 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं, फिर 3 से लेकर 5 बजे तक वो व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, फिर 5 से लेकर 5:30 बजे फिर वो भगवान का नाम लेते हैं। मुझे कुछ भक्त बता रहे थे वो हरे कृष्ण महामंत्र जब भी करते हैं, और उसके बाद फिर भगवान से आशीर्वाद ले करके फिर वो 6 बजे ऑफिस में आते थे, 6 से लेकर रात के 12 बजे तक 18 घंटे काम करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठते हैं। अक्षय कुमार नाम सुना आपने, हॉकी प्लेयर नहीं फिल्म स्टार नहीं फिल्म स्टार अक्षय कुमार सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं ये, और फिर अपना व्यायाम वगैरह। बट जितने भी सफल लोग हैं वो सुबह जल्दी उठते हैं। तो भक्त को भी, भक्ति असल में सफल वही है जो सुबह जल्दी उठता है। तो इतनी तपस्या हम लोग करनी पड़े, लेकिन आप सुबह जल्दी कैसे उठे, है ना। असल में सुबह जल्दी उठना चैलेंज नहीं है, रात को टाइम से सोना चैलेंज है। रात को तो शाम जमा होती है, शाम जमा होती है फिर तो गप्पे शप्पे एप्पे ओप्पे करते करते 12 बजेंगे, तो हमें 6 घंटा रेस्ट तो चाहिए चाहिए। तो 6:30 फिर 7 बजे उठते हैं, फिर नहाते धोते 7 बजे माला पकड़ते हैं, 8 बजे ऑफिस निकलना होता है, ये हमारा हाल है। तो असल में रात को टाइम से सोना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर वालों को बता देंगे भाई मेरे लिए को मेरे को 10 बजे सोना होता है, तो घर वाले धीरे धीरे इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई अभी मेंबर तो टाइम से सोता है, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या है, बात करते करते ना ऐसे करो, हाँ बिल्कुल 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 हाँ हाँ मैं उसको क्या हुआ कि तो सामने लगेगा भाई मेरे कहा से आप सो ही जाओ ठीक है, या एक ऐसे कर दो हाँ ओ अच्छा अच्छा तो आप सामने वाला बोलेगा देखिए बहन जी आप ना आप सो जाओ आप थक गए हो, हाँ भाई बहुत थकावट हो गई थी। तो टाइम से इस तरह धीरे धीरे करके घर वाले समझ जाते हैं भाई ये टाइम से सो जाते हैं, ठीक है ना। टाइम से सोना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हमें क्या करना चाहिए सुबह उठने के लिए, सुबह उठने के लिए हम किसी भक्त की मदद ले सकते हैं।
कि प्रभु जी या माता जी आप मुझे कॉल करना और कॉल करके मेरे से ना एक मिनट बात करना और मेरे से भगवत गीता या भागवतम का कोई भी श्लोक अनुवाद और तात्पर्य पढ़वाना, नहीं तो सिर्फ कॉल हुआ उठ गए हाँ उठ गया थैंक यू फिर सो जाएंगे, बदमाश है ना। इसीलिए तो इसीलिए कहना ऐसा नहीं कि बस कॉल करना, कॉल करके बोलना प्रभु जी सातवें स्कंद के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक पढ़ें। अच्छा जी फिर सातवां स्कंद का है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें कौन सा बोला ये फिर पढ़ना और उसको बोलना तेरे महीने के फ़ोन का बिल मैं दूंगा या दूंगी लेकिन मेरे को फ़ोन करके उठाना सुबह। तो ये एक तरीका है सुबह जल्दी उठने का, एक तो ये भी है। साथ ही क्या रात को बहुत पानी पी के सोना, रात को बहुत पानी पी के सोगे तो क्या होगा प्रेशर लगेगा रात को है ना, तो सुबह सुबह 2 बजे प्रेशर लग गया अब कोई डायपर पहन के तो सोता नहीं तो उठना तो पड़ेगा। तो ये भी एक तरीका है रात को पानी पी के सोए आपका 2-3 बजे आपको प्रेशर लग जाएगा फिर उसमें उठना ही पड़ता है भाई प्रेशर लगाओ और प्रेशर लगाओ नींद उड़ जाती है उसमें कितने आपको सुहाने सपने आ रहे हो राइट। तो ये भी एक तरीका है सुबह जल्दी उठने का। ठीक है एक और तरीका क्या है एक ऐप आती है उसका नाम है अलामी ALARMY बहुत ही अच्छी ऐप है ये। इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस हैं अलार्म बंद करने के। एक ऑप्शन है मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब अलार्म बज गया आपको 4 बजे ठीक है उसमें आ रहा है 24+35+49 अच्छा उसको जोड़ो अब 24+39+75 ठीक है ऐसे करके 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते करते और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं आप 75 × 121 / 432 बस करो सॉल्व इसको बेटा तब तक अलार्म बजेगा वो। दूसरी ऑप्शन उसके अंदर ये है कि अगर एक पर्टिकुलर जाके फोटो नहीं खींचते अगर आप किसी चीज़ की जैसे मान लीजिए मैं तुलसी महारानी की फोटो खींचती अगर आपने ऐसे करके आपने उस पर अलार्म लगाया जब तक आप उठ करके वापस सेम फोटो नहीं खींचोगे तब तक अलार्म बजेगा तो ये भी ऑप्शन है उसके अंदर एक। ठीक है जी उसमें एक और ऑप्शन है बार कोड को स्कैन करना। मान लो एक फला बुक के अंदर एक बार कोड है और वो बुक पढ़ी है दूसरे कमरे में तो जब तक अलार्म लेकर के वापस उसका बार कोड को दोबारा स्कैन नहीं करोगे बचता रहेगा। एक ऑप्शन है शेक की इसके अंदर मतलब शेकिंग करना उसके अंदर आपने गाया मान लिए 50 बार शेक जब तक इसको 50 बार नहीं करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 50 बार तब तक अलार्म बचता रहेगा वो। तो ये तरीके हैं उसके अंदर अलार्म को बंद करने के। सो ALARMY ये एक ऐप है उसमें आएगा अलार्मी स्लीप इफ यू कैन। ठीक है तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अलार्म भी उसमें अंदर गंदी गंदी आवाजें भी उसके अंदर उसको ना होता है उसको बंद कर दे इसको बंद कर इसको क्या करें इसको आवाज से जितने अलार्म आते बड़े मधुर मधुर हैं टी 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 ये तो इतना अच्छा है तो लोरी का काम करता है तो इसीलिए कर्कश वाले अलार्म हो और अलार्म क्लॉक बगल में ही रखनी चाहिए अलमारी के ऊपर ऐसे कहीं ना कहीं रखनी चाहिए यानी बगल में रखा है ना अलमारी कुर्सी लो चढ़ो उस पर हाथ मार करके निकालो उसको फिर प्रॉब्लम सॉल्व करो इसमें तो फिर नींद तो आपकी खुली जाएगी। अब बहुत बदमाश हो तो इसके बाद फिर जाके बिस्तर पे सोओगे लेकिन वैसे तो आपकी नींद तो जो है वो तो निकलेगी लेकिन वैसे 6 घंटा सोना चाहिए वो भी ज़रूरी है। अगर आप 6 घंटा अगर आप नहीं सोते हैं तो सिर्फ धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ भी खराब होगी तो 6 घंटे में सोना चाहिए 5.5 घंटा इज सफिशियंट वैसे तो पर इतना सोना भी ज़रूरी है तो उसके लिए टाइम से सोना टाइम से उठना तो ये तब संभव बात है सो वी शुड डू दैट। ठीक है जी और राइट और कोई सवाल किसी का यस हाँ जी यस प्रभु बताइए हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हाँ जी हरे कृष्णा सर स्ट्रेस को ड्राइविंग फोर्स माना जाता है चीज के लिए आजकल तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कुछ बताएं। हाँ देखिए स्ट्रेस जो है ड्राइविंग फोर्स जो होती है वो मूर्ख लोगों के लिए होती है। ठीक है वैसे थोड़ा स्ट्रेस तो हमको चाहिए हल्का सा स्ट्रेस जैसे स्प्रिंटर होता है ना जब दौड़ने वाला होता है ऑन मार्क गेट सेट अभी स्ट्रेस है गो तो इससे थोड़ा स्ट्रेस होना तो जरूरी है। जैसे एग्जाम आते हैं एग्जाम में अगर कोई स्ट्रेस बिल्कुल ना ले अगर कहते हैं पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई नकल पे रख आस सो जा बेटा ओढ़ रजाई रब करेगा पास तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लिया तो पास हो गए नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया मेरा क्या होगा मेरी जिंदगी का क्या होगा मैं मर जाऊंगा मेरे को नौकरी नहीं मिलेगी मैं कहीं करेगा मैं बैंक भंगा हो जाऊंगा बीबी मेरे को छोड़ के भाग जाएगी
फिर भी नहीं पढ़ पाएगा वो, राइट। बहुत स्ट्रेस ले लिया तो भी दिक्कत, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया तो भी दिक्कत, थोड़ा स्ट्रेस तो चाहिए। सब्जी के अंदर नमक बिल्कुल ना हो, सब्जी खराब, बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी सब्जी खराब, हल्का सा नमक बनता है। गुब्बारे में बहुत हवा भर दो, गुब्बारा फट गया, बिल्कुल नहीं भरा, फूस रह गया वो, तो थोड़ी हवा भरो तो गुब्बारा फूल जाता है। तो इससे थोड़ा सा स्ट्रेस तो चाहिए, थोड़ा उससे हम रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, हम जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हैं, तो हल्का सा स्ट्रेस, उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, वो होता तो रहना चाहिए ठीक, पर उसको बैलेंस करना चाहिए कि इतना भी नहीं कि भी बहुत स्ट्रेस हो जाए, बल्कि थोड़ा स्ट्रेस रखना चाहिए ताकि हम जिम्मेदारी के साथ सेवा करें। हाँ जी, यस पीछे, यस। हाँ जी, हाँ जी, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे देखो, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे उनको भक्ति करनी चाहिए फिर, हाँ ठीक है ना, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भक्ति फिर करनी चाहिए। भगवान से अलग हो के ना कोई वो मोटिवेशन है नहीं, वैसे सब ढकोसलेबाजी है वो सभी सब, तो इसीलिए जो भक्ति नहीं कर उनको भक्ति करनी चाहिए, थोड़ा पुश करना होता है अपने आप को। दुनिया में देखिए तीन तरह के लोग हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक लोग भक्ति तुरंत पकड़ लेते हैं, राजसिक लोग थोड़े समय बाद पकड़ते हैं, तामसिक लोग जो है और देर लगाते हैं। जो है सूखी घास तुरंत आग पकड़ती है, हरी घास थोड़ा बत्ती लगा के रखना बैठना पड़ता है फिर आग पकड़ती है, जो गीली घास होती है पहले धुआं निकालती है फिर वो आग पकड़ती है। इस तरह कुछ लोग हैं जल्दी भक्ति ले लेते हैं, कुछ होंगी भौतिक इच्छाएं यहाँ वहाँ तामझाम करेंगे, थोड़ा भक्ति भी करेंगे फिर धीरे धीरे करके भक्ति कर भक्त बन जाएंगे। कुछ तामसिक होते हैं पहले धुआं निकालते हैं, कहते हैं क्या है इसको, ये तो विदेशी संस्था है जो कि अमेरिका पैसा बेचती है जवान लड़कों को गुमराह करने वाली संस्था है, ये धुआं धुआं निकालेगा वो तो आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा उसको प्रसाद भी खिलाते ना बीच में आप, तो ये फिर धीरे धीरे के बदल जाएगा कि हाँ नहीं नहीं ठीक है आप लोग वैसे ठीक ही हैं, मैंने थोड़ा पहले बुद्धि खराब हो गई थी मेरी, तामसिक लोग हैं दे टेक देयर ओन टाइम। तो इसीलिए हर सब तरह का व्यक्ति, लेकिन अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है, भक्ति। नहीं छोड़ेंगे नहीं उनको, लेकिन थोड़ा उनका धुआं सहन करना पड़ेगा भक्त को, बस कहते ना निकाल ले धुआं थोड़ा तो तो ये धुआं जब इनका निकल लेगा उसके बाद फिर ये भी भक्ति की आग पकड़ लेंगे, ऐसा है। सो डिफरेंट पीपल टेक डिफरेंट टाइम, जैसे कि हमारे लोगों को दुख नहीं होना चाहिए, मेरा पति भक्ति बन रहा है प्रभु जी, इतना टाइम हो गया उसको भक्त नहीं बन रहा है वो, मेरी पत्नी भक्त नहीं बन रही प्रभु जी, मैं क्या करूं, सब भक्त हैं या सिर्फ मैं ही भक्त हूँ, बाकी भक्त बन ही नहीं रहे, क्या करें हम, जिंदगी हमारी तहस नहस हो गई। हर व्यक्ति अपना अपना टाइम लेता है, हमें इतना अटैच नहीं होना चाहिए, नहीं मेरा पति आज ही भक्त बन जाए, नहीं मेरी पत्नी आज ही भक्त बन जाए, एवरीवन टेक्स देयर ओन टाइम। ज्यादातर लोग जो है जब तक माया में पूरे फ्राई नहीं हो जाते तब तक वो आते नहीं है वो, तो जो अभी नहीं आ रहा उसको थोड़ा फ्राई होने के लिए टाइम देना चाहिए, आप थोड़ा फ्राई बोलो आराम से आना, माया देवी जल्दी फ्राई कर लो जल्दी से, तो जब वो डीप फ्राई कर लेगी उसको फिर तड़पती हुई एक दिन आत्मा आएगी, कहते हैं बस तू सही बोल रही थी भगवान, चल राधा मदन मोहन के पास चले हम। हाँ जी क्वेश्चन, यस। देखो भक्ति से ही ट्रबल शूटिंग होनी है असल में, ठीक है ना। एक बात अक्सर आती है कि मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस कैसे करें, खुशखबरी सुनाऊं, ये बैलेंस कभी नहीं होने वाला। अच्छा ये बैलेंस कभी होगा ना, ना बैलेंस नहीं होने वाला। धीरे धीरे करके आपका आध्यात्मिक जीवन आपके भौतिक जीवन को खा जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इवन आपकी जो एवरीडे ड्यूटीज जो आप कर रहे होगे ना वो भी भक्ति भावना में कर रहे होगे, ऐसा हो जाता है, ये ऐसी बैलेंस होता है। लेकिन फिलहाल तो अभी क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है और भगवान का नाम लेना है, ठीक है जी, और थोड़ा बहुत हो सके गीता भागवतम पढ़ना है। हमारे यहाँ एक हस्बैंड है, उसकी पत्नी जो है वो सनकी सी है, वो ताने वाने मारती है, कहते क्या तुम तुकाराम की औलाद कहीं के ना हो तो मेरे पति बन के आ गए तुम, तो वो ताने वाने खूब मारती है अपने पति को,
और उसने बोला अगर मैंने कभी तुमको माला के साथ देख लिया मैं भाग जाऊंगी किसी और के साथ। तो उसने बोला वैसे पति को, तो पति क्या करता है, ये सुबह सुबह जल्दी उठकर माला करता है, अपनी भगवान से उठने से पहले पहले, उसके उठने से पहले पहले माला कर लेता है। और पत्नी को बोला है कि ना मेरा ऑफिस जो है वो 9 o'clock नहीं है, वो तो 8 o'clock है, तो उसके लिए 7 बजे निकल जाता है। 7 बजे निकल करके अपने ऑफिस की पार्किंग में जाता है, वहाँ पर उसके पास 1 घंटा है, वहाँ अपनी माला पूरी करता है, आधा घंटा गीता पढ़ता है, 9 बजे जो है लिफ्ट से ऑफिस में चला जाता है। वाइफ भी खुश, ऑफिस भी खुश, भक्त खुद भी खुश। इसको बोलते हैं बैलेंस करना, ठीक है ना। तो जैसे किसका पति है उसको भाई वो शौक है घूमने फिरने का, क्या तू हमेशा वृंदावन भाग ले, तू कभी कभी कुल्लू मनाली भी चलना होता है तो एक आध बार उसके साथ कुल्लू मनाली भी चले जाओ, एक आध बार वृंदावन चले, तो इस तरह करके। तो बैलेंस करना चाहिए। अब देखा अगर कोई अगर रस्सी भी चलता है तो बैलेंस करता है ऐसे करके, राइट। तो कभी डंडा यहाँ पर, कभी डंडा यहाँ पर, कभी डंडा यहाँ से, कभी ऐसे, तो बैलेंस करते करते क्या होता है पूरी रस्सी से वो गुजर जाता है। तो इस तरह से जिंदगी की जो रस्सी है, कभी स्पिरिचुअल लाइफ को प्रायोरिटी देनी होगी, कभी आपको जो ड्यूटीज है उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे। अगर कोई ऐसे रस्सी पे चले तो क्या होगा, गिर जाएगा ना। तो इसीलिए अगर हम किसी एक ही चीज़ को रखे रखे रखेंगे तो गिर जाएंगे हम। प्रैक्टिकली हमें क्या करना, कभी इसको प्रायोरिटी, कभी इसको प्रायोरिटी, कभी इसको प्रायोरिटी, कभी इसको प्रायोरिटी। जैसे बच्चों के एग्जाम आ गए, हौसला मंदिर ना आ पाए इतना रेगुलरली, अच्छा फिर क्या करें, कहते कुछ नहीं। मैं बच्चे को क्या बोलती हूँ कि देखो बेटा आप ही एक्सरसाइज करो, ठीक है, मैंने पास्ता बना के रख दिया, भूख लगे खा लेना, मैं 2 घंटे में आ रही हूँ लेक्चर सुन करके। आए, आपने हरी कथा सुनी, थोड़ा सा प्रसाद ले करके तुरंत घर चले गए, सिंपल। वो सदा लंबी सेवा नहीं कर पाए, एग्जाम है बच्चों के, इट्स ओके। हेल्थ खराब है, वो सदा मंगल आरती नहीं आ पाए, इट्स ओके। तो इस तरह से हमको बैलेंस करना चाहिए। बाकी है कि हमें हफ्ते में कम से कम एक दिन मंदिर में आ करके मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए, बाकी 6 दिन आप घर पर करो, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक दिन हमको मंदिर में यहाँ पर राधा मदन मोहन जी के घर में यहाँ पर आकर के मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगल आरती, जपा, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, प्रसादम। आप ऐसे कौन कौन मानते हैं कि हमें हफ्ते में एक दिन ये करना चाहिए, कम से कम एक दिन करना चाहिए, कौन कौन मानता है ये, हाँ उठाइए। मेरे पीछे बोले हे प्रभु, राधा मदन मोहन जी, हम आपको वचन देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मंगल आरती आया करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम किया करेंगे, और जो आलस के कारण हम जो ऐसा ना करें तो हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना कि पूछो ही नहीं। हाँ, वेरी गुड, तालियों आप लोगों के लिए, वेरी नाइस। आप में से कुछ लोग नहीं बोल रहे थे, कहते हम तो कसम नहीं खाएंगे, हमने तो बोला नहीं, हम तो फंसे ही नहीं, जो लोग बोल गए वो तो फंस गए। पर ये ग्रुप एक्टिविटी थी, ग्रुप एक्टिविटी में कोई बोले या ना बोले कसम तो सब पे चढ़ती है। कह जी, तो हफ्ते में एक दिन सुबह उठना है, थोड़ी नींदें जो है ना थोड़ी कम करनी है, टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, और राधा मदन मोहन जी के यहाँ पर संडे या सैटरडे जो भी आपके लिए प्रैक्टिकल है आप आए, भाई मंगल आरती में आना चाहिए, ठीक है जी। ऐसे मंगल आरती दर्शन जो है ना भगवान के बेडरूम में दर्शन होते हैं वो, ठीक है जी। बेडरूम पता है किससे मिलते हैं हम लोग, जो हमारा बहुत करीब होते हैं, बाहर के लोगों से हम डाइनिंग रूम में मिलते हैं, कहते हैं वो हम गेस्ट रूम में बिठाओ आ रहे हैं, लेकिन मेरा बहुत अपना है उसको मैं कहाँ मिलता हूँ, बेडरूम में। तो सुबह सुबह जब भगवान के दर्शन होते हैं उनके बेडरूम में होते हैं, इसे भगवान श्रृंगार भी नहीं किया होता ज़्यादा, भगवान सिंपल एकदम होते हैं, एकदम बिंदास। तो कौन कौन चाहता है उनका निकटतम होने वाला, हाथ खड़ा करें, तो फोकट में हो जाओगे, उठना पड़ता है उसके लिए सुबह, ठीक है जी। तो हफ्ते में एक दिन मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम सारा राधा मदन मोहन जी मंदिर में, बाकी 6 दिन आप घर पर करें, ठीक है जी, करेंगे सब, बिल्कुल करेंगे। अरे आपने कसम खाई है, यस, आलस के कारण जो आपने ऐसा नहीं किया तो प्रभु फिर हमारे बैंड बजाना आप अच्छे से, यस, वेरी गुड, ओके। और कोई सवाल किसी का, यस, किसी माता जी का सवाल, हाँ यस माता जी, अवश्य आए। अब तो ओला उबर चल रही है सब जगह पर, 24 घंटे चलती हैं, रात को 2 बजे बुक करो तो भी आ जाती है वो। तो एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जिन माताओं के पास गैया है, गैया की सेवा करती हैं सुबह 4 बजे उठ के, तो वो कैसे आ पाए, गांव से आती हैं जैसे, हाँ तो 6 दिन जो है गैया की सेवा करें, और 7वें दिन जो है जिन्होंने गैया बनाई है
और जिनको गैया बड़ी प्रिय हैं उनके मंदिर में आके मंगल आरती करें, उस दिन किसी और को दे दें, अपने पति को दे दें, आज सुनते हो रविवार रविवार तुम कल्या करो, क्योंकि ये मैया जो है ना गैया को छोड़ के गैया के मालिक के पास जाएगी, उसका नाम कन्हैया है। हाँ जिनके पास गैया है, अरे ऐसी इक्की दुक्की मैया होंगी और क्या, ठीक है ना, आना तो सभी चाहते हैं जैसे, लेकिन मतलब लेकिन सर्दियाँ है ना, नहीं, नहीं, ये कंबल, ये रजाइयाँ, ये गजके, ये रबड़ियाँ, सब उठते हैं, सुबह ही होने चाहते हैं, सब उठ जाते हैं, लेकिन बस ठीक है, आ नहीं पाते कि आने की व्यवस्था है। व्यवस्था है, ओला उबर चल तो रही है, 1.5 लाख उबर चल रही है इसमें दिल्ली एनसीआर के अंदर, और 80,000 ओला काफ़ी हैं इतनी, और सुबह सुबह ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, तो आपने ग्रुप में आपने उसकी बुकिंग की, इस बार ये बहन पैसे देगी, इस बार वो बहन पैसे देगी, इस बार ये बहन पैसे देगी, चारों मिल करके मंगल आरती आती हैं, ठीक है ना, चारों मिल के कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर ड्राइवर ने बदमाशी की चार तो निपटाई देंगी ड्राइवर को एक। तो समस्याओं के समाधान हैं, हाँ जहाँ प्यार होता है ना वहाँ समाधान भी निकल आते हैं, तो भगवान से प्यार बढ़ाइए, राधा मदन मोहन जी से वो करना है हमको, प्यार कम होता है फिर तरकीबें नहीं निकलती, जब वैलेंटाइन डे के दिन सब निकल आता है, टाइम वाइम सब निकल आता है, क्यों मुझे निकलना है, मेरे आज गर्लफ्रेंड से मिलना है मेरे को, आज कैफे कॉफी डे जाऊँगा कैफे कॉफी डे में चाय उसके साथ कॉफी पीऊँगा, उसके लिए कंप्यूटर पे हाथ चलता है, तर 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 तर, कहते क्या बात है आज तो तू कमाल चला, कहता है भाई आज 5 बजे निकलना है, मेरी सेन्योरिटा वेट कर रही है मेरा, सब काम हो जाते हैं, क्योंकि 5 बजे किसी से मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, इसीलिए तो भगवान से हमारे मिलने की तमन्ना होनी चाहिए, प्यार का इरादा इनसे करना है, तो तब तरकीबें निकले, कैसे करना है, कब करना है, क्या किया जाए, तब दिमाग भी चलेगा, राइट। Like there was one book, 101 ways to convert black money to white money. ये किसने क्यों निकाली किताब? क्योंकि उसको पैसे से बहुत प्यार है और ब्लैक को व्हाइट करना है, वो सी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जानता है सारे सिस्टम में होल कहाँ है, पर ये बुक क्यों निकाल पाया वो? क्योंकि पैसे से प्यार है, 101 तरीके काले पैसे को व्हाइट करने के। अब वो बुक बैन हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दी, वो खूब बिकी वो बुक, लेकिन किन को बिकी? प्यार है ना, इसीलिए पैसे से, इस तरह से मदन राधा मदन मोहन जी से प्यार होगा, हम तरकीब निकालें कैसे करना है, क्या किया जाए, सब निकल आएगा। हैं जी, 6 दिन उनकी करिए और फिर 7वें दिन उनकी करिए जिनके वो विस्तार है, बेसिकली गाजियाबाद और इसके आसपास के एरिया में जितने भी ड्यूटीज हैं आपके, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद जो भी हैं, वो सबके सब विस्तार किसके हैं? राधा मदन मोहन, राधा मदन मोहन जी का ओरिजिनल डीटी, ये आपके मूल विग्रह हैं, इनके विस्तार है सबके घर पे। तो 6 दिन जो विस्तार हुए, जो विग्रह हैं वो, और 7वें दिन मूल विग्रह राधा मदन मोहन जी। प्रभु जी सोने जगने का टाइम, सोने जगने का समय वैसे थी आइडियल तो है, 10 बजे सो जाएगी, 4 बजे उठ जाएगी, ठीक है जी, 9 बजे उठ जाए सो जाइए तो 3 बजे उठ जाएगी, 6 घंटा जो है रेस्ट कर लीजिए वो अच्छा है, ठीक है। ओके आखिरी सवाल, नहीं गीता के अंदर ये नहीं बताया कि ओम पे ध्यान दिया जाए, उसमें लिखा है मंत्रों में ओम मैं हूँ, बस ये तो बताया गया, मंत्रों में जो ओमकार है वो मैं हूँ, पर ओम का मतलब क्या होता है? अ ऊ म, ओम कैसे बना है? अ ऊ म, अ है कृष्णा, अ का मतलब कृष्णा, भगवान गीता में कह रहे हैं वर्णमाला में अ मैं हूँ, अ ऊ कौन है? ऊर्जा, श्रीमती राधा रानी ऊर्जा, ऊ म कौन है? जीवात्माएं जो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, तो ओम का मतलब है राधा कृष्ण की सेवा करना और आध्यात्मिक जगत, ओम ओम, इसे ओम कहाँ है? हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें हरे भी हैं, ऊर्जा कृष्णा अ, और जीवात्मा कौन है जो जपा कर रहा है? जीवात्मा, ओम, सिंपल। ऑलराइट, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा मदन मोहन जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री गौरताय की जय, वैष्णव भक्तवृंद की जय, राय गो प्रेमानंदे हरे कृष्णा।